नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 6 के बारे में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं लाइफ पाथ नंबर 6 के पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 6 हैं, तो वो एक जो कंपैशन होता है, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाना या उसको उसके लिए कुछ अच्छा कर जाना, इस तरह का जो फीलिंग होता है, ये आप में बहुत ही ज़्यादा है। आप हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कोई लोग सच में निडी है, उसको ज़रूरत है किसी हेल्प की, तो आप सबसे पहले आदमी होते हैं जो जा करके उसको अपना कंधा देते हैं। आप हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो, चूँकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं इस दुनिया में और उनको पता है कि आपके पास ही जाना चाहिए अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कभी कभी ओवर बर्डन फील करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके, आपको हेल्प करना है और सब कोई आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कभी कभी ओवर बर्डन फील करते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो जो एक, जब आप देखते हैं कि आपके हेल्प के कारण उसका कुछ अच्छा हुआ है, या फिर वो जो एक थैंक यू वर्ड जो दिल से आता है सामने वाले का जिसका आप हेल्प किए हैं, ये इट्सेल्फ आपके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होता है और ये आपको पुश करता है कि आगे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप हमेशा लोगों के दुख को देख करके मतलब सहानुभूति और जो एक दुख होता है अंदर में कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, ये हमेशा हो जाते हैं, आपके पास ऐसा फीलिंग आता है अंदर में। लेकिन फिर भी आप केवल दुख नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि ताकि हम उसका कुछ अच्छा करें, और हर संभव कोशिश करते हैं। जैसे कि एक ऑन करना हुआ कोई चीज़ को, नहीं ये मुझे ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस तरह का, और ये आप में बहुत बड़ा क्वालिटी है। नंबर 6 हिंदू एस्ट्रोलॉजी में वेनस रिप्रेजेंट करता है शुक्र, और शुक्र जो है लव, रोमांस, सेक्स, इंजॉयमेंट, ऑल सॉर्ट ऑफ लग्जरी जो इस दुनिया में है, जितने भी लग्जरियस थिंग हैं, वो सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्यार जताना जिसको कहते हैं, ये आप में बाय बॉर्न टैलेंट है। इसके कारण आप फैमिली में भी एक अच्छे से सबके बीच में जो एक हारमोनी क्रिएट करना होता है कि सबको देखते हुए, सबका मतलब भावनाओं को समझते हुए जो एक काम करना होता है, ये आप में बहुत ही बड़ा टैलेंट हम कह सकते हैं कि आप समझते हैं सामने वाले की फीलिंग को और उसके अनुसार आप काम करते हैं, जिसके कारण कि इस परिवार में बहुत ही बैलेंस बना हुआ रहता है आपके एक्टिविटीज़ के कारण। ऐसा देखा गया है कि लाइफ पाथ नंबर 6 जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस होते हैं, मतलब कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों के दुख को देख करके हमेशा अपना कंधा देने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो जो एक हेल्प करना होता है लोगों का, उसके लिए ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है, दे देते हैं, मतलब सामने वाले को अगर ज़रूरत है तो वो जो एक जेनरसिटी होता है वो आप में बहुत ज़्यादा है। आप काइंड भी हैं, जिसके कारण मतलब जो दयालु कहते हैं, क्योंकि आप अंदर में दयालु हैं, मतलब आपको सामने वाले के फीलिंग को देख करके एक समझ में आता है कि इसको सच में कष्ट है और उसके लिए हेल्प मुझे ही करना है। ये जो दो चीज़ है, ये आपको सच में लोगों से अलग बनाता है। और चूँकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है नंबर 6 को, तो ये जो एक अट्रैक्शन है, आप में कुछ अट्रैक्शन भी है कि लोग ऑटोमेटिकली आपके तरफ मतलब खींचे चले आते हैं, मतलब कुछ तो आप में ऐसा क्वालिटी है आपके पर्सनालिटी में कि लोग आपको, आपके तरफ आते हैं, आप जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं लोग। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स भी साबित होते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे के भावनाओं को समझ करके उसको जो एक प्रोटेक्शन देना होता है, उसके जो उसका जो ख्याल रखना होता है, वो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और करते हैं। कभी कभी आप में, चूँकि आप जो अट्रैक्टिव हैं, जेनरस हैं, आप दयालु हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, तो ये चीज़ आप में एक कहीं ना कहीं अंदर में एक प्राइड लेकर के आता है कि मैं ऐसा करता हूँ। तो ये प्राइड अच्छा है क्योंकि ये आपको पुश करता है आगे बढ़ने में, लेकिन कभी कभी ये प्राइड जो है ईगो में टर्न हो जाता है कि
आई एम द ओनली वन, मैं ही हूँ। तो ये जब ईगो में टर्न होता है तो जो आपके क्लोज वन है उनको वो हर्ट करता है, और फिर ये मतलब आपके पर्सनालिटी को बेसिकली सूट नहीं करता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका एक प्राइड ज़रूरी है लोग को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, लेकिन एक प्राइड और ईगो में जो एक डिफरेंस होता है ये भी आपको समझने का ज़रूरत है। नंबर 6 जो कि रिप्रेजेंट करता है वेनस शुक्र, तो आप में जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो बहुत छोटे से ही देखा जाता है। आप कुछ ना कुछ, मैंने ऐसा देखा है, कुछ ना कुछ आपके पास आर्टिस्टिक टैलेंट ज़रूर होता है, और लेकिन चूँकि एक उसको एक ज़रूरत होता है एक डिसिप्लिन का एक लंबे टर्म तक, तो वो डिपेंड करता है आप कितना कैरी करते हैं, बट कुछ ना कुछ आप एक आर्टिस्टिक टैलेंट ज़रूर सीखते हैं। और कोई भी म्यूजिकल थिंग्स या फिर प्ले या ड्रामा एक्टिंग कुछ ना कुछ आप में ज़रूर होता है, क्योंकि नंबर 6 वेनस रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें भी वेनस पाया जाता है, क्योंकि एक मेजर फैक्टर है मीडिया में, मतलब वो ग्लैमर वाला जो भी वर्ल्ड है उसमें आने के लिए, क्योंकि ये ऑल नेम फेम जो लोगों को मिलता है मासेस से उसके लिए वेनस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस वर्ल्ड में। तो ये जो नंबर 6 जो कि आप बिलोंग करते हैं, तो आप में वो पार्ट आपका कहीं ना कहीं बाय बॉर्न आप में आता है। आपको अगर आप में सच में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें कैरी करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए वो सारे। मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि लाइफ पाथ नंबर 6 के जो लोग होते हैं उसमें कुछ तो चार्म करिश्मा होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और जिसके कारण ऐसा देखा गया कि पर्टिकुलरली बिजनेस में वो हमेशा उन लोगों को अपने साइड में रखते हैं या फिर हमेशा उन टैलेंटेड लोगों को अपने ग्रुप में रखते हैं जिससे उनका बिजनेस सक्सीड हो। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है कि जो सच में टैलेंटेड लोग हैं उसको अट्रैक्ट करना और उसको अपने ग्रुप में रखना। अगर आपके लव लाइफ को देखा जाए तो आप चूंकि वेनस इज ऑल अबाउट लव सेक्स रोमांस, तो आप में मतलब ये बाय बॉर्न क्वालिटी है कि लोगों को कैसे प्यार किया जाए, कैसे प्यार जताया जाए, तो ये चीज़ आप में बहुत ही अच्छा है, और इसके कारण आप हमेशा एक अच्छे पार्टनर होते हैं। इनफैक्ट हर कोई चाहता है कि आपके ही जैसा मेरा पार्टनर हो, क्योंकि आपको एक पता है कि कैसे करके केयर किया जाए सामने वाले का, कैसे करके एक सेक्रीफाइस जो करना होता है लोगों के हैप्पीनेस के लिए, तो वो आप में बहुत ही अच्छा है। चूँकि और वेनस रिप्रेजेंट करता है नंबर 6 को, तो ये मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ही अर्ली एज में ही मतलब उनका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादातर मैंने पाया है कि कुछ तो बैड डिज़ायर के कारण या कुछ भी रीज़न के कारण वो हमेशा रॉन्ग पार्टनर ही चूज़ करते हैं इनिशियल स्टेज में। बट ऐसे देखा जाए तो उनका जो लव लाइफ या फिर जो आप फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो चूँकि समझते हैं सामने वाले के फीलिंग को और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं, तो वो एक अच्छे फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ या फिर एक अच्छे पेरेंट साबित होते हैं, और उनको पता है कि कैसे लोगों के बीच में रहना है, तो लोगों में हारमोनी बना के रखना है, तो वो जानते हैं आप कि कैसे सबको खुश रखना चाहिए, कैसे सबकी फीलिंग का केयर करना चाहिए। तो एज ए लव लाइफ अगर आपका देखा जाए तो आपका अच्छा रहता है लव और फैमिली लाइफ। हेल्थ वाइज अगर आपका देखा जाए तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके जैसा कि नंबर 2 के बारे में मैंने बोला था कि जो डिज़ीज़ पानी से या एयर से हवा से होता है, सर्दी जुकाम टाइप वाला सीजनल या फिर वो साइनस टाइप का, तो ये चीज़ आप में जल्दी आता है, तो आपको इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये प्रिकॉशन ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा वेनस शुक्र या फिर नंबर 6 जो कहते हैं ये एक अच्छे हेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो अच्छा ही रहता है। अगर आपके करियर को देखा जाए तो जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास कुछ चार्म करिश्मा है, ताकि आप जो कि आपको हेल्प करता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, आप हमेशा उस टैलेंटेड लोगों को अपने ग्रुप में ऑटोमेटिकली मिंगल कर लेते हैं, जिसके कारण कि वो आपको सक्सीड कराते हैं बिजनेस में। आप में एक बायबॉर्न आर्टिस्टिक टैलेंट है, और जैसा मैंने बोला कोई भी मीडिया इंडस्ट्री है, ग्लैमर वाला फिल्म मूवी ये सब में सिंगर्स जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं नंबर 6 उसमें रहता है। तो आप में अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर परस्यू करना चाहिए, और आप उसमें आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि नंबर 6 जो है वो म्यूजिकल आर्ट्स और
उस टैलेंट को ही बताता है, प्ले, आर्ट्स, म्यूज़िक या कोई भी आर्टिस्टिक थिंग्स हो उसको ही बताता है, तो आप उस एरिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे आप ह्यूमन इंट्रैक्शन हो या फिर जहाँ पे आपका सेक्रीफाइस जो कि लोगों को हेल्प करता है, वो काउंसलिंग, हीलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग, तो ये सारा चीज़ भी आपको बहुत सूट करता है, क्योंकि आप ये नेचुरली आप में ऐसा है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ सजेशन है लाइफ पार्ट नंबर 6 को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा कि आप में कुछ चार्म करिश्मा है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप में बाय बॉर्न टैलेंट है म्यूजिक को लेकर के, आपको सामने वाले की फीलिंग को समझने का ताकत है, आप हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहते हैं लोगों को लेकर के, तो आप में बहुत सारा अच्छा टैलेंट, अच्छा क्वालिटी है। और मैंने ये भी देखा है कि चूँकि वेनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, तो मैंने अपने लाइफ में ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस लग्जरी लाइफ को एफर्ड नहीं कर पाते हैं, बट चूँकि आप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, तो या तो आपके ग्रुप में या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर आपके अराउंड ऐसा लोग रहते हैं जो कि जिसकी मदद से आप वो उस लाइफ को ही जीते हैं, मतलब आप नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, बस उनके पास है, लेकिन चूंकि आप उनके ग्रुप में हैं तो भी आप उस लेवल के लाइफ को जी रहे हैं, तो ये आप में बहुत सारा अच्छा क्वालिटी है, बहुत सारा गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, और बहुत सारा मतलब जो कहते हैं एक लक जो आपका फेवर करना होता है ये है। लेकिन कभी कभी आप में जो ये जो प्राइड वाला सेंस आता है कि नहीं हम ही हैं सब चीज़, तो ये आपको लोगों से काटने लगता है, और आपका जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपको हमेशा, जैसे कि आप हमेशा प्यार और हेल्प देने के लिए रेडी रहते हैं, तो आपके इनसाइड भी हमेशा आपको एक प्यार पाने का जो इच्छा रहता है ये हमेशा रहता है, और यही रीज़न होता है कि बहुत आप अर्ली स्टेज से ही आपका अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है, तो चूँकि आप लोगों से घिरे रहते हैं तो आपको लोग चाहिए, आपको हमेशा अराउंड लोग चाहिए, तो ये जो आपका ईगो है ये आपको काट देता है लोगों से, ये आप में मतलब कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, ये सूट नहीं करता, क्योंकि आप बहुत ही जेनरस हैं, काइंड हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं लगाया जाता है कि ये बंदा जो है थोड़ा ईगो दिखाए, तो आप में सारा कुछ अच्छा है, आप जस्ट अपने प्राइड और ईगो में डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, हेल्थ वाइज जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए, और करियर को लेकर के जो है आप अपना निश एरिया फाइंड आउट कीजिए, अगर आर्टिस्टिक टैलेंट आप में है तो वो कीजिए, या वो हर एरिया जहाँ पे आपको लोगों से इंट्रैक्शन होता है, जहाँ पे आप लोगों के फीलिंग को समझ सकते हैं, वो एरिया आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर बिजनेस डेफिनेटली आप अच्छा करते हैं बिजनेस में। तो ये था मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 6 को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे है, या वहाँ पे स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन है वो आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें, फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और या फिर इस लाइफ पाथ नंबर 6 के बारे में कि क्या आपका फ्रेंडली नंबर है, इनेमी नंबर है, और डिटेल में, तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वो है www.astrobasic.com। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 5 हैं तो जो कीवर्ड है आपके लिए वो है फ्रीडम, मतलब आज़ादी। आपको सारा एक्सपीरियंस जो लाइफ का है वो आप लेना चाहते हैं एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय आपका जो दिमाग है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, आप चाहते हैं कि हर एक्सपीरियंस जो है लाइफ का आप एक ही बार में उठा लें, आप चाहते हैं कि अलग अलग जगह ट्रैवल करें, अलग अलग जो